दोस्तों, यदि आपका एक फेसबुक आईडी है और अभी आपका जो फेसबुक आईडी है वो हैक हो गया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आप कैसे हैक किया गया फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त है, उसका जो फेसबुक आईडी था वो हैक हो गया था, और हैक कैसे हुआ वो आप सुन लीजिए। दोस्तों, मेरा दोस्त का जो फेसबुक आईडी है उस आईडी से फ्री फायर अकाउंट बना हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ था कि मेरे दोस्त के व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था जहां पे एक लिंक दिया गया था और बताया गया था कि यदि आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फेसबुक अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन अप करेंगे तो ऐसे में आपके फ्री फायर आईडी पे 1000 डायमंड दिया जाएगा। तो इस लालच में आकर के मेरा दोस्त ने क्या किया कि उस लिंक पे क्लिक करके अपना फेसबुक आईडी का ईमेल और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद जो होना था वही हुआ, फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है, देखो भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था, मेरा फेसबुक आईडी हैक हो गया है और हैकर ने मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया है और मैं अपना फ्री फायर आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह का बहुत सारे स्कैम होता है, आपको ध्यान में रखना है, किसी भी लिंक में क्लिक नहीं करना है, नहीं तो कभी भी आपका फेसबुक आईडी हैक हो सकता है या फिर आपका डिवाइस भी पूरी तरीके से हैक हो सकता है। तो मैंने बोला चलो ट्राई करता हूँ कि यदि रिकवर हो जाए तो मेरा अकाउंटेंट भी बन जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली मैंने दोस्त का फेसबुक आईडी मैंने रिकवर कर लिया है। तो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना दोस्त का जो फेसबुक आईडी है उसे रिकवर किया है। तो दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं और यदि आपका भी फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है और ऐसे में आप उसे रिकवर करना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक सपोर्ट। यदि आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइंट होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, बस नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा। और दोस्तों, एक बात आप सुन लीजिए, यदि आपका फेसबुक आईडी हैक किया गया है तो ऐसे में आप उसी डिवाइस से ही अपना फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं जिस डिवाइस में आप उस फेसबुक आईडी को यूज करते थे। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, यदि आप दूसरे डिवाइस से अपना फेसबुक आईडी को रिकवर करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उस डिवाइस को लेना है और उस फेसबुक ऐप को ओपन करना है जिस डिवाइस में और जिस फेसबुक ऐप में आप अपना अकाउंट को यूज करते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना दोस्त का फोन ले लिया है और फेसबुक ऐप को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, हैकर ने फेसबुक आईडी का नेम और पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता करना है कि हैकर ने यदि आपके आईडी का नेम चेंज कर दिया है तो अभी किस नाम से वो अकाउंट है वो आपको पता करना है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं वो आप समझ लीजिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे फर्दर पासवर्ड के ऊपर प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ स्टेप से दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे वो मोबाइल नंबर या फिर वो ईमेल आईडी डालना है जिस ईमेल आईडी या फिर जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना फेसबुक आईडी को बनाया है। तो मेरे दोस्त ने मोबाइल नंबर से बनाया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद जैसे ही सर्च के ऊपर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे दो अकाउंट दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पूरा नेम नहीं दिखेगा। दोस्तों, फर्स्ट नेम का पहला वर्ड और लास्ट नेम का पहला वर्ड आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे KK और SR दो अकाउंट दिखाया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको एक से ज्यादा अकाउंट दिखाया गया है तो कैसे आप ये समझेंगे कि आपका अकाउंट कौन सा है? तो इसके लिए क्या करना है कि यदि आपने इससे पहले कभी भी अपना आईडी को किसी भी ब्राउजर में लॉगिन किया था तो उस ब्राउजर को आपको सिंपली से ओपन करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद सर्च करना है कि facebook.com। उसके बाद जैसे ही आप फेसबुक के ऊपर प्रेस कर देंगे तो आपको दिखाया जाएगा यदि आपने इससे पहले अपना आईडी को ब्राउजर में लॉगिन किया था। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे मेरे दोस्त ने इससे पहले लॉगिन किया था इसलिए यहाँ पे वो आईडी दिखाया गया है। तो दोस्तों, हैकर ने मेरे दोस्त का नेम चेंज करके किंग खान रख दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, फेसबुक ऐप के अंदर KK दिखाया गया था। तो यदि मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यू हैव यूज्ड ओल्ड पासवर्ड, मतलब मैंने पुराना वाला पासवर्ड यूज किया है, क्योंकि दोस्तों हैकर ने नया पासवर्ड बना लिया है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपका फेसबुक आईडी का नेम हैकर ने अभी क्या रखा है। और एक तरीका है ये पता करने का कि यदि आपने फेसबुक अकाउंट से मैसेंजर में किसी से ज्यादातर बात किया है तो ऐसे में आप उस दोस्त को पूछ सकते हैं कि भाई मेरा आईडी का नेम अभी क्या दिखाया गया है, तो उससे आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, हैकर ने मेरे दोस्त का आईडी नेम किंग खान रखा है, इसका मतलब पहला वाला जो अकाउंट है ये है। तो उस अकाउंट के ऊपर प्रेस करना है जो अकाउंट आपका है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि यू विल सेंड अ कोड टू योर मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल नंबर पे कोड सेंड किया जाएगा जिससे मैं अपना फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकता हूँ। दोस्तों, हो सकता है कि आपके पास वो मोबाइल नंबर ना हो जिस मोबाइल नंबर से आपने फेसबुक अकाउंट को बनाया था, लेकिन
दोस्तों मेरे दोस्त का आईडी जिस मोबाइल नंबर से बना हुआ था वो मेरे दोस्त के पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर है इस नंबर से मेरे दोस्त ने फेसबुक अकाउंट को बनाया था, लेकिन ये नंबर मेरे दोस्त के पास अभी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस नंबर के साथ साथ और एक नंबर दिखाया गया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये इसी डिवाइस में ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास वो नंबर नहीं है जिस नंबर से आपने फेसबुक अकाउंट को बनाया था, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों फेसबुक टीम को पता होता है कि कौन सा फेसबुक अकाउंट किस डिवाइस का है। तो दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट को जिस डिवाइस में ज्यादातर यूज करते थे, हो सकता है कि उस डिवाइस में जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाए और उस नंबर पे कोड भेजा जाए जिससे आप अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सके। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि आपको उसी डिवाइस से रिकवर करना है जिस डिवाइस में आप ज्यादातर अपना फेसबुक अकाउंट को यूज करते थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करके देख लेते हैं कि इस मोबाइल नंबर पे कोड मिलता है या नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करता हूँ, तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कि मुझे इस फोन में कोड मिल चुका है और ऑटोमेटिकली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे बताया गया है कि इंटर ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद सिंपली सबको चेंज पासवर्ड के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपका न्यू पासवर्ड बन के आपका फेसबुक अकाउंट रिकवर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे किंग खान का जो अकाउंट है ये अभी यहाँ पे रिकवर हो चुका है। तो आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो दोस्त का आईडी था वो रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों अपना फेसबुक आईडी को रिकवर करने के बाद कुछ काम आपको यहाँ पे करना है, वो क्या है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि सिक्योरिटी एंड लॉगिन। तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका अकाउंट किस किस डिवाइस में लॉगिन है। जैसे कि यहाँ पे दो डिवाइस दिखाया गया है, तो पहले वाला डिवाइस में एक्टिव नाउ है, मतलब मेरे पास ये जो डिवाइस है इस डिवाइस का है। और दूसरे वाला डिवाइस देख सकते हैं जो कि यस्टरडे लॉगिन किया गया था, मतलब ये जो डिवाइस है ये हैकर का है। तो हैकर के डिवाइस के ऊपर सिंपली सबको प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉट यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिक्योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड सेट करना है अपना फेसबुक आईडी का, और जो पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों पासवर्ड आप कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो कुछ इस टाइप से एक पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। तो पासवर्ड सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेक योर फोन नंबर दिखाया जाएगा। तो यदि आपका फोन नंबर सही है तो आप यहाँ पे टिक मार्क लगा दीजिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बताया जाएगा के पेज यू हैव लाइक्ड और फॉलोड, मतलब क्या मैंने इस पेज को फॉलो या फिर लाइक किया था। यदि हाँ तो यहाँ पे टिक मार्क लगा के कंटिन्यू कीजिएगा, यदि नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली से कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद पीपल यू हैव एडिट और फॉलोड, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली से नीचे आना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पीपल यू हैव अनफ्रेंड दिखाया जाएगा, मतलब क्या इसमें से किसी भी फ्रेंड को आपने अनफ्रेंड किया था। यदि नहीं तो वापस से आप उस फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसी भी दोस्त को आप फिर से अपना फ्रेंड बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली से कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों उसके बाद यहाँ पे चेक रिसेंट कमेंट बताया गया है, तो इसमें से किसी भी कमेंट को डिलीट करने के लिए कहा गया है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा तो ऑल फिनिश हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ऑल फिनिश हो चुका है और सारे ऑप्शन में टिक लग चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे गो टू न्यू फिर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आप होम पेज में पहुंच जाएंगे। तो ये करने के बाद अपना नेम चेंज करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली से सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सिंपली से पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाया जाएगा, तो उसे चेंज करने के लिए सिंपली से आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा आपका जो फेसबुक आईडी का नेम है, लेकिन दोस्तों आप अपना फेसबुक आईडी का नेम 60 डेज के बाद चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि आपने आज अपना फेसबुक आईडी का नेम चेंज किया है, तो आज से 60 डेज के बाद ही आप दूसरा नेम ऐड कर पाएंगे। तो ये फेसबुक का रूल्स है। लेकिन दोस्तों आप अपना फेसबुक आईडी का पुराना वाला नेम को फिर से सेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे दोस्त का जो पुराना वाला नेम था, मतलब हैकर ने जिसे चेंज कर दिया था, वो नेम यहाँ पे दिखाया गया है जो कि नगेश्वर दास नाम से है। तो पुराना वाला नाम को आप फिर से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली से आप यहाँ पे यूज प्रीव्यू नेम के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपना फेसबुक का पासवर्ड डाल दीजिएगा, जो पासवर्ड आपने नया नया क्रिएट किया है। तो पासवर्ड डालने के बाद सिंपली से आप यहाँ पे यूज प्रीव्यू नेम के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आपका पुराना
वाला नेम सेट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रीव्यू नेम नागेश्वर दास इस आईडी पे सेट हो चुका है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपना पुराना वाला नेम सेट कर लीजिएगा। और दोस्तों हो सकता है कि अकाउंट रिकवर करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाए, जहां पे बताया जाए कि लॉग इन अप्रूवल नीडेड, जहां पे आपको प्रूफ देना है कि ये जो अकाउंट है क्या ये अकाउंट आपका ही है। तो यदि आप फेसबुक आईडी पे लॉग इन अप्रूवल नीडेड मांग रहा है, तो ऐसे में आप कैसे प्रूफ देकर अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना लिया है। उस वीडियो को मैं कल सुबह पब्लिश करूंगा, और पब्लिश करने के बाद दोस्तों उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इंड स्क्रीन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये सही से जान लिया है कि हैक किया गया फेसबुक अकाउंट को कैसे आप अपने डिवाइस के माध्यम से ही रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट में कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल वीडियोस पे दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।